असम के धबरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहां पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहां पर रह रहे हैं, और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आए, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था, और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहां पर लगातार 10-12 सालों से ना कभी आया है, ना फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था, इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी, और ये सूचना प्राप्त होने के बाद उसकी कल गिरफ्तारी बॉर्डर क्षेत्र से हुई है। जो भी इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाएंगे उस पर आधे जिला उस पर उसके आधार पर जिला पुलिस और यहां के एजेंसी इसमें आगे वर्क करेंगे।